अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम खुद को सही मायने में तभी पहचान पाते हैं जब हम अपनी प्रकृति को बहुत करीब से, बहुत ध्यान से देखते हैं। और कितना प्यारा है ना रतिका, हमारी कुदरत का हर एक नज़ारा। बिल्कुल सही, कुछ तो बात है इन हवाओं में, वरना साथ इन्हें पंछियों का ना मिलता। वाह रतिका, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इन हवाओं का रुख बदल जाता है और ये अपने साथ भारी बारिश लेकर आती हैं। तब आगमन होता है चक्रवात यानी साइक्लोन्स का। तो चलिए जानते हैं साइक्लोन के नुकसान के बारे में और कैसे किया जाता है इसका क्राइसिस मैनेजमेंट। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। आपदा जो कभी भी और कहीं भी आ सकती है, कब, कहां और कैसे। कई बार इनकी पूर्व में जानकारी होती है, कई बार नहीं होती है, लेकिन आपदा को लेकर मन में एक भय हमेशा से बना रहता है। जब भी चक्रवात आते हैं और तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो उसमें भयावह स्थिति उस समय कोस्टल स्टेट पे होती है। और जैसे आपको मालूम है कि 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन में हमारे पास 5,700 किलोमीटर कोस्ट लाइन ऐसी है जो कि चक्रवात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। चक्रवात के दौरान जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें जो होता है वो होता है जब विंड स्पीड 100 से 150 किलोमीटर की चलती है, और दूसरा होता है जब हैवी रेन जो है वहाँ पर भारी बारिश जो है जब उस क्षेत्र में होती है तो उसमें लैंडस्लाइड से लेके डूब का क्षेत्र, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। आपदा के समय जान माल का काफी नुकसान भी होता है, लेकिन अगर हम आपदा के पूर्व से ही तैयारी रखें तो यकीनन आपदा से काफी हद तक की सुरक्षित रहा जा सकता है। जब भी चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, सबसे पहले हमें IMD के द्वारा सूचना मिलती है कि चक्रवात ईस्ट में और वेस्ट में फॉर्म हो रहा है। उस दौरान हम अपनी सबसे पहले NDMA एक्शन में आता है और हम अपनी एडवाइजरी इशू करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चाद है कि इसमें जो है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, जो कि जिसके चेयरमैन आदरणीय कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उनके अधीन एक मीटिंग होती है, MC मीटिंग उसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें जितने सेक्रेटरी हैं वो सब लोग होते हैं, और जिस स्टेट से ये प्रभावित होता है क्षेत्र चक्रवात के कारण, उनके चीफ सेक्रेटरी और SDMA के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद उनको आदेश दिए जाते हैं कि अपने यहाँ तैयारियों पर ध्यान दें, समुद्र में भी उन लोगों को बचाया जाए। उसके लिए हम लोग कोस्ट गार्ड और नेवी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो लोग अपना एरियल सर्वे करते हैं और एरियल सर्वे के द्वारा उनको पता लगता है कि कहाँ पर बोट्स हैं, उनको लाउड हेलर के द्वारा हम लोग वापस अपने सुरक्षित हार्बर में लेके आते हैं। अगर किसी बोट में कोई प्रॉब्लम होती है तो नेवी और कोस्ट गार्ड के शिप वहाँ जा करके उनको एस्कॉर्ट करके वापस लेके आते हैं। भारत में हर साल चक्रवात तूफान आते ही हैं, चाहे वो अरेबियन सी में हो या बे ऑफ बंगाल में। मौसम विज्ञान में एक चक्रवात यानी साइक्लोन्स हवाओं की एक शक्तिशाली प्रणाली है जो कम वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमती है। समुद्री हलचल के बाद चक्रवात की सूचना मिलने के बाद ही तैयारियों का दौर शुरू कर दिया जाता है। विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के लिए आपदाओं के समय हम अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचें, हर एक व्यक्ति को कैसे अपने से कनेक्ट करें, उसके लिए हमने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हमने लगाए हैं उसमें जो है आप सैटेलाइट रेडियो है, मास मैसेजिंग है, फोन लाइंस हैं, अलर्ट सायरन हमने लगाए हैं, और लोगों को अलर्ट किया जाता है और सबको जिम्मेदारी भी दी जाती है। आम आदमी के लिए यह है कि जब भी वो अपना घर बनाए तो उसको प्रॉपर एक आर्किटेक्ट के पास जाए ताकि उससे पूछे कि इस एरिया में वल्नरेबिलिटी क्या है। जो 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 हमने NDMA ने जो पूरे कोस्टल क्षेत्र का HRVA किया है, हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमने पूरे कोस्टल एरिया का किया है। इस कोस्टल एरिया में जिन लोगों को हमने बताया कि वो उस पर अमल करें और कच्चे मकान ना बनाएं वहाँ पर। आपदा में लोगों की मदद के लिए NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की पहल के बाद आपदा मित्र भी बनाए गए हैं जो लोगों को सुरक्षित शेल्टर तक लेके जाते हैं। आपदा मित्र स्कीम 350 जिले चिन्हित किए गए हैं और 350 जिलों में हमने 1 लाख वॉलंटियर्स बनाए हैं। और अगर अभी कोस्टल स्टेट की जो बात हो रही है,
13 कोस्टल स्टेट में 149 डिस्ट्रिक्ट्स में 45,500 मेरे आपदा मित्र तैयार हैं, जिनको हमने यूनिफॉर्म दी है और उनको अपने सेफ्टी के लिए एक किट हमने मुहैया कराया है। ये आपदा मित्र आपदा से पहले लोगों को सूचनाएं देते हैं, आपदा के समय इनको शेल्टर में शिफ्ट करते हैं और आपदा के बाद इनको अपने घरों में लेके जाते हैं। राशन से लेकर, दवाई से लेकर, पानी से लेकर के हर चीज़ हम इनको मुहैया कराते हैं। आपदा के समय घबराने की बजाय एक मजबूत मन से उसका सामना किया जाना चाहिए और एक आम आदमी होते हुए भी बहुत कुछ आपदा के लिए किया जा सकता है। तो जरूरी है कि सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए। आता है जो तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज, मुमकिन है उठती लहरों में साहिल मिल जाए। ये उस समय की बात है कि हम लोग देखते थे कि आपदा आ रही है, अब भरोसे बैठे रहते थे कि भगवान का भरोसा है कि शायद वो साहिल उड़ती लहरों में जो है बहता हुआ साहिल मिल जाए। एक बहुत अच्छा शेर कहा है, उन्होंने कहा है, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आपको अपने को इतना सक्षम बनाना है कि आप खुद दरिया को जो है पार कर सकते हैं। 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में 10-point एजेंडा आपदाओं के ऊपर दिया है, वो एक मानक बन चुका है, पूरे विश्व ने उसको लिया है और भारत में एक नई जागृति, एक आपदाओं से निपटने के लिए एक नई ऊर्जा लोगों में, कम्युनिटी में पहुंची है, लोगों में पहुंची है, स्टेट में पहुंची है, हर जगह लोगों में एक नई बात आई है। उसमें जो है वसीम बरेलवी साहब ने एक बड़ा बढ़िया शेर कहा है, उन्होंने कहा है, आता है आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, अरे मैं तो तब डरता अगर मेरा हौसला ले आते। और ये हौसला आपको देता है जब आपके पास तैयारियां होती हैं, समुदायों का हमसे जुड़ना है, ये हमारे लोगों का वॉलंटियर जो हमारे हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं ये सब, और राज्य सरकारों का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस का जो इस चीज़ से प्रभावित होते हैं, ये सब उनका एक मिला जुला एक प्रयास होता है कि हम अपने को भी सुरक्षित रखें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें। एक भारत श्रेष्ठ भारत और सुरक्षित भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री करते हैं उसकी तरफ हम अग्रसर हों।